वेलकम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो आज हम लोग एक साइकिल के बारे में बात करेंगे जो कि फीमेल पार्टनर्स या फीमेल बॉडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो हम लोग देखेंगे, व्हाट यू विल सी हियर इज अबाउट द साइकिल दैट इज अ फेज ऑफ द लाइफ इन द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ए फीमेल। सो व्हाट हैपेंस इन दिस इज द phase during which, or this is a cycle during which the egg is released from the ovary and is ready to be fertilized by the sperm. So this happens, this menstrual cycle will occur during the reproductive cycle of a female. So जब भी ये menstrual cycle का timing start होगा, the first menstruation, जब भी मतलब first menstruation start होगा in the age of puberty, that is about 11 to 13 years, so तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनार्क। द स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द मेनार्क। और अबाउट 40 टू 50 ईयर्स तक, 45 टू 55 या 40 से ऊपर, ये एज लिमिट हम लोग अभी फिक्स्ड नहीं बोल सकते ना, अबाउट 55 ईयर्स तक ये चलेगा द साइकिल, व्हेन द फीमेल इज रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एंड एट अप टू द 55 ईयर्स एंड आफ्टर दैट द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। So this is called the menopause. So whenever there is a starting, that is called the menarche, the first one, and the end of the menstrual cycle is called the menopause. So इसी दौरान menarche to menopause, a female is reproductively active or reproductively capable. मतलब जो बच्चा होने का process है ये जारी रहेगा menarche से, मतलब puberty से, टू मेनोपॉज। प्यूबर्टी फीमेल का विद द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज तक का सफर रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में जाना जाएगा, जहाँ पर रिप्रोडक्टिवली फीमेल्स जो है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले जो ओजेनेसिस का प्रोसेस स्टडी किया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फीमेल गैमेट्स है, जैसे कि ओवम, या जिसको हम लोग ओसाइट्स भी बोल सकते हैं, सो फ्रॉम वेयर द ओवम अराइज, सो ये जो मेल फीमेल गैमेट्स है, मतलब ये जो फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमेट्स का, दे टेक प्लेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में ही ये तय हो जाता है कि कितना जो है मतलब ओगोनिया जो है कितना ये फॉर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के बाद कोई भी ओगोनिया फॉर्म नहीं होता है फीमेल बॉडी में। सो जो ओगोनिया है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि ओगोनिया आफ्टर दिस मियोसिस वन डिविशन दे आर अरेस्टेड इन द प्रोफेज वन स्टेज, मतलब उसके बाद अब डेवलपमेंट नहीं होता। तो नंबर ऑफ जो सेल्स है, अबाउट कपल ऑफ मिलियंस ओगोनिया आर देयर, उसके बाद धीरे धीरे जो डिविशन मियोसिस वन के बाद ये अरेस्टेड हो जाते हैं, उसके बाद प्राइमरी ओसाइट्स, फिर धीरे धीरे बाहरी हिस्से में ग्रैनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन, देन लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल का फॉर्म होता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स, धीरे धीरे मोर एंड मोर ग्रैनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन, टर्शियरी फॉलिकल्स हो जाने के बाद फिर इसमें जो मेन मतलब जो कवरिंग होगा वो रेडी है, और उसका ओसाइट भी अंदर रेडी है। सो वी कैन सी दैट दिस प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल्स, देन द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट बाई द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अभी उसको जारी रखेंगे कि क्या क्या होता है स्टेप वाइज ड्यूरिंग दिस फेज विच इज़ कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 days, और जनरली दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अबाउट 28 to 32 days, और जो मेन जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड है दैट इज 3 to 5 days। ठीक है, तो अभी हम लोग फेज वाइज पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। पहले इस बात का मतलब क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि वन ओवम इज रिलीज्ड
ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द साइकिल फ्रॉम ईच ओवरी. एक ओवरी से वन ओवम ही रिलीज होता है पर साइकिल में, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में. हर एक मंथ का एक साइकिल, ठीक है. फॉर ईच साइकिल देयर इज अ रिलीज ऑफ ओनली वन एग फ्रॉम ईच ऑफ द ओवरी ऑल्टरनेटली. सो एक ओवरी में शायद अगर राइट ओवरी से एक ओवम निकला तो दूसरा ओवरी से नेक्स्ट, मतलब लेफ्ट ओवरी से नेक्स्ट मंथ में, ऐसे नॉर्मली नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट ओवरी से निकालना चाहिए. ऑल्टरनेटली दोनों ओवरीज राइट एंड लेफ्ट जो है ऑल्टरनेटली ये ओवम को रिलीज करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओविलेशन. ओके, सब लोग इधर फोकस करते हैं कि यहाँ पर क्या है. प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप टू सेकेंडरी फॉलिकल्स, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया. फिर वो बढ़ेगा किसमें, टर्शरी फॉलिकल्स. देन दे विल डेवलप इनटू द ग्राफियन फॉलिकल्स. जो आप लोगों को याद है कि ग्राफियन फॉलिकल्स में खाली जगह होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंड देयर इज थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना. उतना तक का फॉर्मेशन तो ऑलरेडी हो रहा है, ये हम लोगों ने देखा है कि ओवरीज में ये हो रहा है. और धीरे धीरे ग्राफियन फॉलिकल रिलीज हो जाएगा, फट जाएगा, मतलब रप्चर हो जाएगा. तो वहाँ से क्या रिलीज होता है, द रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स रिलीज व्हाट, द सेकेंडरी ओसाइड इन द प्रोसेस कॉल्ड व्हाट, ओविलेशन. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि क्या हॉर्मोन्स जो रिलीज होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ऑलरेडी जो मेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स कंट्रोल द मेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन विच वॉज सिक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, मतलब ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है. दैट विल इन्फ्लुएंस द एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट विल इन्फ्लुएंस द एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करेगा कि इसमें उसके बाद ये क्या रिलीज करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये मेल में भी हम लोगों ने देखा है, मेल बॉडीज में, कि एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इधर भी जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिकल्स. अब व्हाट आर द फॉलिकल्स, जैसे कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स, जो सेल्स है, सेल्स का कवरिंग है बाहरी हिस्से में, इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स. ये फॉर्मेशन को मदद करता है कौन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH क्या था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है. LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि मेल्स बॉडी में लेडिक सेल्स में एक्टिवेट, लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करता है. तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एग्स और ओवम, या प्राइमरी ओसाइट या द सेकेंडरी ओसाइट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, दे हेल्प्स इन द रिलीजिंग ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. सो फीमेल हॉर्मोन्स भी देखो, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिक हॉर्मोन्स नाम सेम टू सेम ही है मेल जैसा, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन स्टिमुलेट्स द फॉलिकल्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, दैट इज द रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीजिंग ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, तो यहाँ देखो जो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन है, मतलब देखो प्राइमरी जो पहले प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन तक, मतलब फॉलिकल्स का तो डेवलपमेंट होगा ना, तो पहले सेल से फिर उसके बाहरी हिस्से में फॉलिकल्स का फॉर्मेशन, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये सब कहाँ पर होता है, ओवरी के अंदर, विद द रिलीज ऑफ द हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन, जिसको कंट्रोल करने वाला कौन, द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन. सो ये हार्मोनल कंट्रोल है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज़ अबाउट 28 to 32 days, जिसमें ब्लीडिंग फेज कितना, ब्लीडिंग फेज है 3 to 5 days, 3 to 5 दिन तक ब्लीडिंग होता है. एंड 28 to 32 days का नॉर्मल साइकिल होता है, किसी का 28, किसी का 32 और किसी का बीच में 30, 31, ऐसा डेज का साइकिल हो सकता है. मतलब कंप्लीट साइकिल टेक्स प्लेस अबाउट 28 to 32 days. ठीक है, तो ये प्रोसेस, मतलब जिसमें हम लोग देखते हैं कौन कंट्रोल करता है, FSH एंड LH. अभी मतलब स्टेप बाय स्टेप जो फेजेस है उसके ऊपर ध्यान देंगे. सो जब फॉलिक्यूलर फेज है वहाँ पर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट फेज जो है दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, जहाँ पर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, मेंस्ट्रुअल
फ्लो विल ऑकर ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल फेज. मतलब जहाँ जब तक मतलब ब्लीडिंग होता है वो टाइम पीरियड 3 to 5 days का, ये क्या है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें एंडोमेट्रिया मतलब यूट्रस का जो लेयर है ये टूट के बाहर निकल के आएगा, इसलिए ब्लड वेसल्स भी क्रैक हो जाता है. ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्रैक हो जाएगा क्यों, एंडोमेट्रियम लेयर टूटना स्टार्ट कर देता है, इसलिए ब्लड वेसल्स क्रैक हो जाएगा. तो ब्लड वेसल्स क्रैक हो जाने से ब्लड निकलेगा. सो दैट फेज, दैट पार्ट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फेज, दैट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 days, जहां पर मेंस्ट्रुअल फ्लो दिखाई देगा, ब्लड दिखाई देगा. ठीक है, उसके बाद का फेज है मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिक्यूलर फेज. नेक्स्ट फेज क्या होगा, फॉलिक्यूलर फेज. अब इस फेज में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फेज है फॉलिक्यूलर फेज. अब ये फॉलिक्यूलर फेज में क्या होगा, फॉलिक्यूलर फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ओवरी के अंदर, याद आ रहा है ना अभी हम लोगों ने बोला था कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता हुआ दिख रहा है. ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ फॉलिक्यूलर फेज व्हाट हैपेंस, द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी वो धीरे धीरे ग्राफियन फॉलिकल में फॉर्म हो जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप वाइज, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी, टर्शियरी टू द ग्राफियन फॉलिकल, धीरे धीरे रेडी हो जाएंगे किसके अंदर, ओवरी के अंदर. ड्यूरिंग विच फेज, दिस इज कॉल्ड द फॉलिक्यूलर फेज. ठीक है, सो इन द फॉलिक्यूलर फेज व्हाट हैपेंस, द प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर अप टू दिस ग्राफियन फॉलिकल्स, और उसी दौरान यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो धीरे धीरे प्रोलिफरेशन के द्वारा रेडी हो जाएंगे, क्योंकि वो टूट गया था मेंस्ट्रुअल फेज में, वो रेडी हो जाएंगे, और रेडी हो जाने से वो थिक हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए मतलब ओव्यूलेशन उसके बाद वो मतलब फर्टिलाइज्ड एग को अटैच कर सके, ऐसा वो लॉ कैपेसिटी इसमें आ जाएगा, किसमें, एंडोमेट्रियम में. सो इट विल रिजेनरेट बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोलिफरेशन. And all these changes in the ovary and the uterus, देखिए जो follicular phase है और जो endometrium generation है, तो वो they will be controlled by the pituitary and the ovarian hormones. तो अभी हम लोगों ने देखा ना कि hormones, what are these, the FSH and LH. FSH hormone will control the follicles growth and development from the primary follicles to the graafian follicles. और जो luteinizing hormone है, this helps in the ovulation. So मतलब पिट्यूटरी से निकलता हुआ हार्मोन्स, ओवरियन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और ओवरियन हार्मोन्स, ये सब पूरा साइकिल को कंट्रोल करेगा. तो अभी हम लोग मतलब एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है इधर, एंड और इसके बाद हार्मोनल कंट्रोल्स भी यहाँ पर डायग्रामेटिकली मैंने समझाने का कोशिश किया है, आप लोग फोकस कीजिए यहाँ पर. तो देखो इधर क्या ड्राइंग किया है, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स, धीरे धीरे होते हुए ग्राफियन फॉलिकल्स. ठीक है, अभी जो यहाँ पर दिखाया है, दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल्स विद द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन एंट्रम, जो फ्लूइड फिल कैविटी मैंने पहले दिखाया था, दिस इज फ्लूइड फिल कैविटी, दिस इज द मैच्योर फॉलिकल विच इज द ग्राफियन फॉलिकल विद थीका एक्सटर्ना, थीका इंटर्ना, और बीच में जो कैविटी है फ्लूइड फिल कैविटी, दिस इज द एंट्रम एंड दिस इज द मैच्योर ग्राफिक एंड फॉलिकल. सो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन यहाँ तक हो गया है. नेक्स्ट स्टेज यू कैन सी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर एंड दिस इज व्हाट द सेकेंडरी ओसाइट दैट इज रिलीज्ड. अब मैंने पहले बोला था कि जब तक ये जो रिलीज होगा सेकेंडरी ओसाइट, ये ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाएगा सेकेंडरी ओसाइट ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन फेज. इसको हम लोग अभी भी ओवम नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके लिए कुछ चाहिए होगा. सो जब मेल स्पर्म आएगा और इसको फर्टिलाइज करने का कोशिश करेगा सेकेंडरी ओसाइट को, देन इट विल गेट वन सेंट्रियोल फ्रॉम द मेल गैमेट. जब ये सेंट्रियोल इसको मिल जाएगा तभी इसको हम लोग ओवम बोलेंगे. ये क्रिटिकल प्रोसेस है, क्यों होता है, कैसे होता है ये नहीं, लेकिन मेल गैमेट जो स्पर्म है उससे एक सेंट्रियोल इसको मिलेगा, तब जाके इसको हम लोग एक रेडी ओवम बोल सकते हैं ड्यूरिंग दैट स्टेज. तो अभी तक इसको सेकेंडरी ओसाइट के नाम से ही जाना जाएगा, यानी दिस स्टेज इज द ओव्यूलेशन स्टेज. सो ओव्यूलेशन हुआ है, अब ग्राफियन फॉलिकल्स का जो पार्ट है एक्स्ट्रा वो अलग है, एंड देन दे विल फॉर्म व्हाट द कॉर्पस लूटियम.
ग्राफियन फॉलिकल जो डिजेनरेट हो गया है वो जो फॉर्म करेगा दैट इज कॉर्पस लूटियम, और धीरे धीरे कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट होके खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो ये प्रोसेस जो ये साइकिल में होगा लाइक फ्रॉम द प्राइमरी फॉलिकल टिल द रीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस लूटियम, दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पूरा कंटिन्यू होगा डे वन से लेके अबाउट 28-29 लाइक दिस, दैट इज आई टोल्ड अप टू अबाउट 32 डेज। सो जिसका 28 डे तक होगा तो 28, और जिसका 29, सो 29, 30, 31, 32 डेज का साइकिल। तो डे वन से लेके दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज से लेके टिल द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लेयर वंस अगेन, दैट्स टाइम पीरियड इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, जिसमें मैंने पहले अभी दिखाया है फर्स्ट में कि ये क्या हो रहा है इधर। अभी हम लोग जो हॉर्मोन्स का लाइन्स यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है, तो वहाँ पर देखेंगे कि हॉर्मोन्स रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, वन इज LH जो पिंक कलर का लाइन है, दिस इज LH एंड दिस इज द ब्लैक वन इज द FSH। सो दिस टू हॉर्मोन्स LH एंड FSH आर रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अभी हमने बोला कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, ताकि ये दो हार्मोन्स रिलीज कर देगा, दैट इज FSH एंड LH। ठीक है, अभी इसको फॉलो करते हुए जाइए आगे, जो प्रोसेसेस हो रहा है हार्मोन्स का लाइन LH का देखिए। जब भी ओव्यूलेशन हुआ है ये LH का लेवल अचानक से बढ़ गया है और ओव्यूलेशन हुआ है। सो दिस फेज व्हेन सडनली LH इंक्रीजेस इज कॉल्ड द LH सर्ज, सर्ज मतलब बहुत जल्दी बढ़ जाना, और फिर घट जाता है धीरे धीरे, लेकिन लेवल थोड़ा ज़्यादा ही है FSH से, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जाएगा। अब FSH भी ऐसे ऐसे फॉलो करते हुए जाओ, यहाँ पर आके FSH भी थोड़ा इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन प्रोसेस, और फिर आगे बढ़ता हुआ कम होता हुआ चला जाएगा। जब भी यहाँ पर फॉलिकल का जनरेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे वन से, तो तब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तब कम हो जाएगा। लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ तक ज़्यादा ही है FSH से, क्योंकि कॉर्पस लूटियम को एक्साइट करेगा, ताकि ये यहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज होता है इसको जारी रखे। यहाँ पर जो हार्मोन्स रिलीज होता है कॉर्पस लूटियम से, दिस इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ब्रोथ। सो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का निकलना यहाँ पर अनिवार्य है, और इसको एक्साइट करता रहेगा कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा है इधर, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा डे वन में, और डे वन से फिर चालू हो जाएगा इसका इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या मेनली दिखाई दे रहा है कि ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन प्रोसेस देयर इज LH सर्ज, अचानक से LH बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके बाद कम होके फिर थोड़ा सा ज़्यादा FSH से रहेगा, क्योंकि कॉर्पस लूटियम को एक्साइट करना है, ताकि ये प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का सिक्रीशन ठीक से जारी रखे, क्योंकि प्रेगनेंसी अगर है तो इसको मेंटेन करने के लिए, यूट्रस का वॉल को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन जो यहाँ से रिलीज होगा कॉर्पस लूटियम से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक्साइट रखना ज़रूरी होता है। तो ये बात है इधर, और उसके बाद जो लेवल है ये, इसको इधर देखिए कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब ओवेरियन हॉर्मोन्स उसी दौरान ओवरी से क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, देखिए इधर से सीधा बेस लेवल को छूता हुआ जा रहा है, और फिर ओव्यूलेशन के बाद सोरा इसका बहुत ही बढ़ जाता है इसका लेवल, और फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है, टू मेंटेन प्रेगनेंसी। अगर ये जो ओव्यूलेशन हुआ है, इधर ओवम रिलीज हुआ है, ये अगर फर्टिलाइज्ड हुआ है, तो इसको आगे के लिए मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन चाहिए दैट इज प्रोजेस्टेरोन। सो ये लेवल देखो इधर से इधर, और फिर अचानक से ये बढ़ जाता है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, तो फर्टिलाइजेशन हुआ है तो मेंटेनेंस, उसके बाद धीरे धीरे घट जाएगा और फिर ब्लीडिंग होना स्टार्ट कर देगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सो देयर विल बी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, क्योंकि एंडोमेट्रियल लेयर जो रेडी था वो अभी धंस जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, और फिर वहाँ से ब्लड वेसल्स भी क्रैक हो जाएंगे, इसलिए ब्लड निकलेगा, सो दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट विल ऑकर। उससे पहले अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है
तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और दैट विल मेंटेन द प्रेगनेंसी। सो ये दो हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दिखाई दे रहा है इधर। अभी इधर देखो एस्ट्रोजन ये ओव्यूलेशन से थोड़ा सा पहले बढ़ गया है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर अचानक से ये सर्ज इसका जोरा ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि कॉर्पस लूटियम से भी तो एस्ट्रोजन रिड्यू मतलब निकल रहा है ना, रिलीज हो रहा है, तो फिर इसके लिए इसका इफेक्ट से थोड़ा सा एस्ट्रोजन का लेवल जो है ये बढ़ेगा दिखाई दे रहा है इधर, क्योंकि कॉर्पस लूटियम कहाँ पर है, ओवरी के अंदर। सो इस इफेक्ट के लिए एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा इधर, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेयर जो है दिस इज द यूटराइन वॉल एंडोमेट्रियम यूटरस का लेयर। तो यूट्रस में मैंने पहले बोला था कि थ्री लेयर्स है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड द इनर एंडोमेट्रियम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द जो फर्टिलाइज्ड सेल है, फर्टिलाइज्ड जाइगोट। दिस जाइगोट विल बी एम्बेडेड इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, ऑब्वियसली बच्चा होने से पहले एम्बेडिंग जरूरी है, इम्प्लांटेशन जरूरी है इन द वॉल ऑफ द यूटरस, दैट इज द एंडोमेट्रियम लेयर। सो इसके लिए उसको थोड़ा थिकनेस में अपने आप को बढ़ाना पड़ता है ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर फर्टिलाइजेशन है तो एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर ठीक है तो वहाँ पर इम्प्लांटेशन इसका हो जाएगा। तो अभी इधर देखो जो साइकिल है मतलब यूटरन लेयर का जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सो इसी दौरान क्या होगा, दिस फेज इज द ब्लीडिंग फेज और द वेयर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑकर्स, दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फेज। सो दैट टेक्स प्लेस अबाउट 3 to 5 days। सो ये फर्स्ट फेज दिस इज मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद दिस इज फॉलोज बाय द फोलिक्यूलर फेज विच इज फ्रॉम आफ्टर द मेंस्ट्रुअल फेज। धीरे धीरे यूटराइन वॉल को देखो, फॉलिक्यूलर फेज में ऐसा है, फिर ओव्यूलेशन हो जाता है अबाउट 14 days, साइकिल का लगभग 14 to 16 days, मतलब एक्चुअली 14 days या 15-16 days में ओव्यूलेशन हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे यूटराइन वॉल जो है एंडोमेट्रियम का धीरे धीरे काफ़ी मोटा हो जाता है, टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स काफ़ी डेवलप हो जाते हैं ताकि इम्प्लांटेशन जो अच्छी तरीके से हो। एंड नेक्स्ट फेज इज द लूटियल फेज, सो दिस इज द सिक्रेटरी फेज ऑल्सो। नाउ मेंस्ट्रुअल फेज फॉलिक्यूलर फेज इज कॉल्ड द प्रोलिफरेटिव फेज, जहाँ पर बढ़ता है प्रोलिफरेशन होता है ऑफ द फॉलिकल्स एंड ऑल्सो द एंडोमेट्रियल लेयर। एंड द लूटियल फेज इज द सिक्रेटरी फेज, जहाँ पर जो हॉर्मोन्स है उसका सिक्रेशंस देखा जा रहा है। सो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है बाद में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस में, लेकिन ये जो डायग्रामेटिक व्यू अभी इधर मिला है तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ओवरी एंड द यूट्रस दे ऑल टुगेदर मेंटेन द साइकिल विच इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ये मेंस्ट्रुअल फेज में जहाँ पर ब्लीडिंग होगा, एंडोमेट्रियल लेयर्स धस जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, वहाँ पर ब्लीडिंग होगा जो वो नहीं होगा क्योंकि इम्प्लांटेशन होने का चांसेस होगा, तो एंडोमेट्रियल वॉल्स धसेंगे नहीं, ब्लड वेसल्स क्रैक नहीं होंगे, सो देयर बी नो ब्लीडिंग। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो एंडोमेट्रियल लेयर्स क्रैक होंगे, ब्लड वेसल्स क्रैक हो जाएंगे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट फॉलिक्यूलर फेज स्टार्ट हो जाएंगे, फिर ओव्यूलेशन, फिर नॉर्मल लूटियल फेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। सो जब लूटियल फेज ख़त्म उसके बाद फिर से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और डे 1 से लेके डे 28, 29 या 30 जिनका जैसा साइकिल है उसी के हिसाब से चलेगा। सो ये नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ ए नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। और साइकिल का जो लेंथ मैंने बताया है ड्यूरेशन, इसमें कुछ ऑल्टरेशन हो भी सकता है, और अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है दैट विल इंडिकेट प्रेगनेंसी, ये अभी मैंने बार बार डिस्कस किया है। बट कभी कभी मेंस्ट्रुएशन बंद हो भी सकता है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, अगर कोई स्ट्रेस में है जिसका हेल्थ ठीक नहीं है और खाना ठीक से नहीं खाता होगा, बॉडी ठीक नहीं है, तो इसके वजह से कभी कभी मेंस्ट्रुएशन जो है वो बंद हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जैसे बंद होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है
then that can lead to the pregnancy. At that time, when there is pregnancy, that time only the menstruation phase, that is the bleeding phase, will stop, and there will be no menstruation during this menstrual cycle phase. So उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आगे हम लोग और थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं इन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन प्रोसेस. ओके.